जहां तक सोशल मीडिया की बात है, तो जब भी अर्थ और विज्ञान का विकास होगा, और ये अर्थ और विज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता है, तो जब ये बढ़ेगा तो सभ्यताओं में बदलाव एकदम असंभावी, उसको टाल नहीं सकते। इसलिए कल तक जो मीडिया थी कि पर्सन टू पर्सन घोड़े घोड़े जी स्वागत है आपका हमारे बीच, घोड़े सजाना क्या गए हैं, लेकिन जब विज्ञान बदला तो सूचना के माध्यम भी बन गए। तो आज जिस प्रकार से संचार माध्यम बदले हैं, जैसा कि दीदी ने पहले कहा कि करागे वस्ते जो था उसमें कैसा परिवर्तन हुआ है, तो ये तो बदलेगा, इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन इसका उपयोग कैसे करें। और इसलिए मुझे लगता है कि इसको नकारा नहीं जा सकता, इसका सही उपयोग देश हित में, समाज हित में और जनहित में, सबसे बड़ी बात है जनहित में, जो होना चाहिए उसको करना चाहिए। और जनता को जो भ्रम जाता है, जो भ्रम फैलाया जाता है, उस पर लगाम लगनी चाहिए, और सोशल मीडिया उसके लिए बहुत ही उचित माध्यम है। वाल्मीकि सोशल मीडिया पे सब लोग गुस्से में क्यों नजर आते हैं, कलवार में ही नजर आते हैं कि यार वाल्मीकि ने कुछ लिखा तो आज इनकी हत्या कर देनी है, ऐसा क्यों होता है? क्यों जिसकी बात अभी डॉक्टर सोनक मानसिक समरसता क्यों खत्म होती जा रही है, हमारे अंदर का हास प्रयास व्यक्त बोध सब खत्म होता जा रहा है, क्या समाज में ऐसा हो रहा है जिसका प्रकटीकरण सोशल मीडिया पे हो रहा है, या कोई और वजह आपको लगती है? देखिए इस बात का तो हम लोगों ने 2014 में ही जवाब दे दिया था कि दरअसल सबसे असहिष्णु वामपंथी ही हैं, सबसे बड़े असहिष्णु। पहली बार उनके झूठ को झूठ माना जा रहा है तो सबसे पहले असहिष्णुता वहां शुरू हो गई। पहली बार मैं बात शुरू करती हूँ अभी हाल ही की फिल्म के जो भी पुरस्कार बटे हैं, जिनके लिए अनंत जी ने बहुत अच्छे उदाहरण भी दे दिया कि पहले भी हुआ है कि सूचना प्रसारण मंत्री जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी तब उन्होंने प्रधान राष्ट्रपति जी की जगह उन्होंने पुरस्कार दिए। इसमें एक सम्मान मेरे गुरु को मिला है, सबसे बढ़िया डॉक्यूमेंट्री पे मेकिंग ऑफ गिरजा द लिविंग लेजेंड, हमारी गुरु गिरजा देवी जी पर फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इस की जो निर्माण उनकी एक शिष्या मधु चंद्रा जो अमेरिका में रहती उन्होंने किया, और फिल्म का डायरेक्शन किया देवप्रिय एक शिष्य ने, और समन्वय संकल्प जो मिश्रा जो एडिटर है उन्होंने एडिटिंग की, दोनों ने मिलकर निर्देशन किया। फिल्म में चार लोगों का अवार्ड था, प्रोड्यूसर में अप्पा जी की बेटी भी थी, मुन्नी भी थी, सुधा दत्ता। कल रात को पार्टी भी थी, हम वहां पे गए थे अपने वहां से होकर के रिटायर, वहां पर ये चर्चा चल रही थी कि जब सम्मान मिला तो जो 70 लोगों ने बहिष्कार किया उनमें से, मैं मान लीजिए इस झूठ को भी ठीक करता हूँ, सिर्फ 50 लोगों ने बहिष्कार नहीं किया, वो पुरस्कार लेने नहीं आए, जो उनकी चिट्ठी मैंने पढ़ी है जी जी वही वही, किसी ने लिख दिया कि यशुदास भी नहीं गए जबकि मैं वहाँ था, तो झूठ था जी जी, तो कुल 50 उपस्थित थे बस सम्मान लेने नहीं, सम्मान लिया उन्होंने, इस व्यक्ति जी से सम्मान लिया, यशुदास जी को नहीं कह रहे बाकी 50 उन लोगों ने नहीं लिया। तो जब कल रात में उनका डिनर पार्टी थी तो वो उठ खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि हमारे लिए इतना पशुपेष्ट हम अशोका में ठहरे थे, और हमारी गुरु की बेटी सुधा दत्ता जी और प्रोड्यूसर जो अमेरिका से आए थे जिन्होंने पैसा लगाया और राष्ट्रीय पुरस्कार मिले रजत कमल, उनको मिनट मिनट फोन आते रहे मत लेने जाइएगा, ये बिल्कुल मत लेने जाइएगा, मत लेने जाइएगा। और उन्होंने कल ये बात डिनर में सबके सामने कही कि हमें लगा कि हम नहीं लेने जाएंगे, तो सबसे पहले तो जिनके लिए बनाया ये उनका अपमान है, जिनके सम्मान में फिल्म बनी है आज वो मरणोपरांत एक इतना बड़ा सम्मान मिला हमें लेकिन, तो उनका अपमान है। दूसरा जब असहिष्णुता की बात चलती तो अप्पा जी का एक वीडियो हमने लिया था, हम लोगों ने कलाकारों से कहा था आप सामने आए, तो उन्होंने कहा था बेटा एक फूल भी कोई किसी को दे देता है तो वो भी वापस नहीं किया जा सकता, पुरस्कार तो बहुत बड़ी चीज है। ऐसे में उन दोनों ने साहस किया और डायरेक्टरों को छोड़ करके अकेले सम्मान लेने गए, वो बैठे रहे मना करते रहे, झगड़ा कर लिया, मुंह खुला लिया, और उन्होंने इतना कहा कि आप हम लोगों को धोखा दे रहे हैं और वो दोनों सम्मान लेने के लिए गई। तो मुझे लगता है कि जो आपने मुझसे सवाल पूछा है कि सोशल मीडिया पर इतना इंटॉलरेंट क्यों है, गुस्सा क्यों है, उसका कारण ये कि जितने राष्ट्रवादी उनके भीतर गुस्सा है, और मैं उस गुस्से से आइडेंटिफाई करती हूँ
लेकिन मैं करती हूँ, जरूरी नहीं सब करें। यहाँ पे आपको वामपंथियों से कला सीखनी चाहिए कि एक आपको लचीलापन अपने अंदर जरूर बनाए रखना चाहिए। कहानी कहने की भी कला है, सच को कहानी में कैसे बुन करके कहना है कि विचार हमारी तरफ आए, क्योंकि भाषा या सच सब सुनना चाहते ही नहीं, जानते हुए भी ये आपको सीख रहा है कि आप अपनी बात किस तरह से ऐसे करें कि लोग आपकी तरफ आए। और हमारे यहाँ कुछ फेसबुक कैसे मारती हैं यहाँ बैठे जिन्होंने इस कला में निपुणता पा ली, आदमी ज्यादा ही उनके उसमें उस रस को पाने के लिए। एक दो लोग ऐसे हैं जिनकी कला है गाली देने की, उन्होंने गालियों को भी ऐसा विशेषण बना रखा कि लोग पढ़ने जाते हैं अब लोग हटे देते। नाम लेने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पर, मैं जैसे नाम यहाँ पे लूँ, आनंद कुमार जी का, वो नहीं हमारे बीच में शामिल हो सके, उनकी पौराणिक कथाओं पर, महाभारत की लोक कथाओं पर कमाल की मास्टरी, वो सारी बात का एक मर्म दे देते हैं उन कथाओं के बहाने। ये कला हमको सीखनी होगी। और जो आप कह रहे हैं कि लोग आकर गुस्सा होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे तो न जाने क्या क्या कहते हैं, चाटुकारिता है, ये है, पतिदेव तो वहां पर है, पर ये तो उनकी वो करें, वो तो योगी जी के साथ है। और मैंने तो एक उसका मंत्र सीख लिया है, अनंत जी जो निर्भीक नहीं है तो ऐसे जीवन जीने से बेकार है। और ये निर्दयता के कारण कभी कभी कलम भी थोड़ी कटु हो जाती है, इतनी ज्यादा खरी हो जाती है। हम लोग घरों में कहते हैं ना कि फलाने चच्चा बहुत खरे रहते हैं, तो उनके सामने लड़के बच्चे जल्दी पढ़ते लिखते, क्योंकि मालूम तब बोले सही, सामना करने की सच की सबकी हिम्मत नहीं होती। और वामपंथियों ने सिर्फ 70 साल में झूठ का जाल ही बुना है, तो अभी उनकी ऐसे मार पड़ नहीं है, इस समय तो बेचारे दबे कहीं बिल में कोने में बैठे हुए हैं। लेकिन आपको कोशिश करनी, 2019 में भी बिल से ना निकलने पाए, तो आपकी कला में वामपंथियों से ये सीखिए कि आपका सच भी कितने रोचक ढंग से पेश किया जाए, जहाँ पे कि आप चाशनी उसमें वानगी ऐसी हो कि बात सारी सच्ची हो, खरी हो, सुनने में किसी को अप्रिय न लगे। और कृपया दूसरे को भी यदि काटे कमेंट्स के रूप में जो आप कह रहे हैं, तो उसमें भी तर्क पे हराइए, किसी का अपमान करने से संबंध याद रखिए, जो अपमान करता उसी का अपमान होता है, इस बात को बिल्कुल गिरा में बांधिए, तथ्यों पे पटकिए, अपमानित करके कुछ हासिल नहीं होना। मेरी हम लोगों पर एक अपमान का एक ये तमगा लगता है कि मैं राष्ट्रवादी को सीधे गाली गलौज करते हैं, ये हटाना है, ये वर्कशॉप इसीलिए है। तथ्य लिखिए, नोट करते जाइए, जो सुंदर जी बात कह रही है, जो आज बात हुई, ये फिल्म पुरस्कार में जो वाद विवाद हुआ है, हम तो तथ्य आपको बता रहे हैं। तथ्यों के संग अपनी पोस्ट लिखिए, कभी कोई भी आपका सवाल नहीं उठा पाएगा। मैं आखिरी सवाल डॉक्टर सोमनाथ से लूंगा, फिर हम संवाद पर जाएंगे। आपने भी एक इशारा किया जिसकी वो थोड़ा असहज करने वाला प्रश्न हो सकता है आपके लिए, पर इसके लिए आप लगातार अटल जी से भी लड़ाई कर चुकी हैं, बाद के प्रधानमंत्रियों को भी आपने कहा, हमारे यहाँ संस्कृति इतने नेपथ्य में क्यों रहती है, जिसकी ओर आप इशारा करके करता धरता शब्द इस्तेमाल किया आपने। अटल जी को आपने भूख हड़ताल की धमकी दी थी कि अगर इसको वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ या कुछ एनिमल हस्बेंड्री के साथ संस्कृति को जोड़कर नहीं हटा देंगे तो मैं आपके यहाँ हड़ताल कर दूंगी। कभी संस्कृति क्यों हमारे जो रहनुमा है वो सरकारें बदलती रहती आती जाती रहती है, संस्कृति क्यों नहीं हमारे, और चर्चिल वाला पिछली बातचीत में आपसे उदाहरण दिया था कि चर्चिल ने सारे मंत्रियों का इस्तीफा लेना तय किया विश्व युद्ध के बाद, जब संस्कृति मंत्री टेबल पर इस्तीफा देने आए तो उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा मत दीजिए, आपके लिए तो हमने बाकी मंत्रियों से इस्तीफा दिया। तो एक संस्कृति को इस पेडस्टल पे रखा जाता है, हमारे यहाँ कभी महिला बाल विकास कल्याण, कभी एनिमल हस्बेंड्री, कभी पर्यटन, कभी उद्यान, कैसे इसको हम कैसे ट्रैक करें, आज अभी चर्चिल भी बैठे हैं यहाँ, बात ऊपर तक जाए, कैसे ये हो कि संस्कृति को ले वो हमारी प्राथमिकता में आ जाए। कैसे हो ये तो आप लोग जाने, क्योंकि आपने ठीक कहा कि वर्षों से ये मेरी लड़ाई रही है। अब आजकल मैं शायद इतनी सुनी नहीं जा रही हूँ, ये भी एक तथ्य है। सोशल मीडिया के समय में आई एम नॉट दैट एक्टिव, ब्लॉगिंग ये वो नहीं मैं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे जो पत्र निरंतर जाते हैं यहाँ वहाँ, जो मैं पब्लिक नहीं करती,
मेरा एक ही कहना है कि जब से एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय से संस्कृति को अलग कर दिया गया, राजीव गांधी के समय में शायद, जब HRD मिनिस्ट्री बनी और उसमें अलग 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 हो गया, तब से संस्कृति नाच गाना बन के ज्यादा ज्यादा होता चला गया। जब तक शिक्षा में संस्कृति को आप नहीं मानते कि दूध में चीनी है या दूध में मक्खन है, मैं संस्कृति को मक्खन मानती हूँ, दूध तो दिख रहा है शिक्षा का, ग्रेड्स लानी है, पास करना है, MBA करना है, सर्टिफिकेट लेना है, आगे जॉब लेना है, संस्कृति जो मक्खन है समाज का, विषय विचार का, व्यवहार का, सोच का, वो मक्खन तो उसमें आपने हटा लिया कूड़ा पत्थरे, अब रह गई खट्टी छाछ। तो प्रॉब्लम मुझे जो एक मूल दिखता है वो ये है कि शिक्षा में संस्कृति नहीं है, संस्कृति अलग हो गई। तो तभी मैंने कहा कि आज की तारीख में संस्कृति का कुछ आप डेफिनेशन दें, उसकी परिभाषा दें, सोचें व्हाट इज द परिभाषा ऑफ संस्कृति। क्या शिक्षा में संस्कृति नहीं है, संस्कृति अपनी तरीके से शिक्षा नहीं है। मैं इससे आगे चल के एक बात आखिर में समाप्त कर देती हूँ कि मालिनी का आक्रोश उनका अकेली का नहीं है, हम सबका है। हम अपने नृत्य में, अपने अभिनय में, अपनी बोलचाल में, अपने व्यवहार में, अपने शिक्षा के लिए में, इंटरव्यू में, हर जगह ये बात बताते हैं कि हमारे पौराणिक ग्रंथों की कथाओं में से क्या हमें मैसेज लेना चाहिए, संदेश। आखिर में समरसता, सहिष्णुता सब बातें एक तरफ रखती हूँ, दूसरे पल्ले में मैं रखना चाहती हूँ शतम प्रति शाठ्यम कुर्यात। नंबर एक, मेरे तीन सूत्र, मेरे नहीं लेकिन ये तीन सूत्र मैं आपके सामने रख रही हूँ। शठम प्रति शाठ्यम कुर्यात, चाणक्य का महाभारत में आप जानते हैं, आज आ गया गांधी जी ने इसका फैलाव किया, बुद्ध ने किया, सेकंड लाइन पंक्ति धर्म हिंसा तथैव वचः, ये बोलना पड़ेगा, ये बोलना ही पड़ेगा और उसको